कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। रेव पार्टी में छापा मारकर नोएडा पुलिस ने 900 ml जहर बरामद किया है। इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में बिग बॉस फैम वे यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी शामिल किया गया है। 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एल्विश यादव की जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं से सीधे संबंध है, तो सांसद मेनका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एल्विश को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वह इन सबका सरगना है। इस पूरे मामले का खुलासा मेनका गांधी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन PFA के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुआ है। वहीं एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को एक सिरे से नकारा है। नोएडा के फॉरेस्ट ऑफिसर प्रमोद श्रीवास्तव का कहना है कि सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता है। ये एक यूट्यूबर का गैंग है जो इस तरह पार्टी कराता है। PFA के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव से संपर्क कर नोएडा में रेव पार्टी करने में सांप वे कोबरा वेनम का इंतजाम करने के लिए कहा था। एल्विश ने अपने एजेंट राहुल का मोबाइल नंबर देते हुए उससे बात करने के लिए कहा था। 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सेवरॉन वेंकट हॉल रेव पार्टी का वेन्यू तय किया गया। यहां सपेरे सांप भी लाए थे। इसके बाद पुलिस वे DFO को सूचित किया गया। पुलिस ने राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ हैं। राहुल के पिट्ठू बैग से एक प्लास्टिक की बोतल में भरा 20 मिलीमीटर स्नैक वेमन यानी सांप का जहर मिला। इसके पास से 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दुमूही, 1 रेड स्नैक सांप मिले। एल्विश मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस आदमी को हरियाणा के CM मंच से प्रमोट करता है। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील कमेंट, गाली गलौज दिखेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। एल्विश के यूट्यूब चैनल पर 14.2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि इस खबर पर तरह तरह के मीम्स भी सामने आ रहे हैं। ये एल्विश था, ये जो प्रतिभा है, हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी, निश्चित करेगी। यार छोटा वाला गया, कोई बात नहीं, ड्रग कंज्यूम करे कोई बात नहीं यार, छोड़ दो ना। तो भाई हमको यहाँ पे क्या चीज सीखने को मिल रही है? हमको यहाँ पे ये चीज सीखने को मिल रही है कि अगर आपके पास फेम है, पैसा है, वो आपको गलत काम करते हुए डिफेंड नहीं कर सकता। और आप चाहे कितने ही गलत हो, बॉलीवुड आपको डिफेंड कर लेगा। भाई जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तुम समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं? ये बेसिकली ड्रग्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि भाई 23 साल का बच्चा ही तो है यार, ड्रग्स ले ली क्या हो गया? 23 साल का बच्चा। भाई संजू बाबा के टाइम पे कितनी कैडी माइंड वॉशिंग करी थी यार, कितनी कैडी, मतलब उन्होंने पूरी फिल्म बना दी संजू के नाम पे और उसके अंदर बाबा ऐसा लेजेंड दिखा दिया कि अरे संजू बाबा जैसा तो नेक आदमी नहीं बेचारा, कितना कितना मजबूर था, ये हथियार ही तो रखता था, कोई बात नहीं मजबूरी में रखे, कोई केस वेस नहीं है, कुछ भी कितना ही बड़ा रामे आदमी हो, मैं बोलते रहना, आवाज उठाते रहना कि भैया गलत तो गलत है, अब तुम ऐसे थोड़ी ना, अब जैसे किसी ने ड्रग्स ले लिया, अब जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल भाई मेरा हाथ है, इसने ड्रग्स ले लिए, गलत कराना यार, गलत को गलत बोलना सीख लो ना, अब थोड़ी ना कि और छोटा सा हाथ है यार ले लिए, ऐसे नहीं होता भाई। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ, ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गया, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ UP पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा UP पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं, अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए FirstByte.tv।